हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद की तरफ से हाजिर हूँ आपके समक्ष। आज चौथा लेक्चर लेके, तो आज हम लोग उसी के आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा था अभी वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, वास्तव में जब हम किसी भी चालक में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक के किसी भी बिंदु पर जो आपकी वैद्युत क्षेत्र ई होता है और धारा घनत्व जे होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को सामान्य रूप से हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। तो गणितीय सूत्र के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो बराबर ई अपॉन जे। इस बात को आप बोर्ड पर लिखी हुई है इसकी परिभाषा। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग E कहते हैं, और धारा घनत्व, जिसे हम लोग J कहते हैं, के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो चाहे प्रतिरोधकता लिखा मिले या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों बात एक ही होंगी। और जैसा कि मैंने बताया, इसे रो से प्रदर्शित करेंगे, रो बराबर ई अपॉन जे। ई और जे के मान को रखने पर इसका जो मात्रक हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, ओम मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है और जो वैद्युत प्रतिरोध है, इनमें क्या संबंध होगा, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, ई अपॉन जे। इसे समीकरण हम क्या ले लेंगे, एक। अब वैद्युत ई का मान क्या होगा, आप सभी को मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, V अपॉन L। ये सूत्र हम तब यूज करते हैं जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और चालक की लंबाई L हो, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सेकंड। तथा हम सभी को मालूम है कि धारा घनत्व J का मान I अपॉन A के बराबर होता है। इसे क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं थर्ड। अब समीकरण दो और तीन से एक में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो समीकरण दो व तीन से एक में मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या होगा, साइड में देखिएगा, रो इज इक्वल E का मान हो जाएगा V बटे में L, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, J का मान I अपॉन A। आप सभी को मालूम है कि सबसे नीचे वाला पद सबसे ऊपर जाता है, जबकि तीसरे नंबर वाला पद दूसरे नंबर के पद के पास जाएगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा, A, और अपॉन में ये आई ऊपर जाएगा तो आई, और इनटू में क्या हो जाएगा, एल। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि वी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है। तो इसकी जगह रो बराबर वी अपॉन आई की जगह हम आर पुटअप कर देंगे, तो वी अपॉन आई की जगह आर रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और यहां से अगर आर का मान निकालना चाहें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये हो गया वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो हम लोगों ने फार्मूला अभी प्रूफ किया है, रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल, इसी से हम विशिष्ट प्रतिरोध की एक अन्य परिभाषा भी दे सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, यदि हम क्या ले लें,
एल, एल मतलब जो चालक तार है उसकी लंबाई को कितना ले लें, 1 मीटर ले लें, और ए, ए मतलब चालक तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उसे कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर ले लिया जाए। तो ये दोनों जब एक एक हो जाएंगे तो रो बराबर क्या होगा, ये एक तो आर इंटू वन अपॉन वन, मतलब रो बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो रो बराबर आर अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या है, एक वैद्युत प्रतिरोध या सामान्य प्रतिरोध ही है, मगर कब, जब जो भी चालक तार हमने लिया है उसकी लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो, और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो, 1 वर्ग मीटर हो। तो हम क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए कि ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसके अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उस तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे ही हम उसका क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसके आधार पर हमारी परिभाषा क्या बनेगी, कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले चालक के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसकी विमा क्या होगी। तो आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की विमा भी हम इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, अब देखिए हमें मालूम है कि रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन क्या होगा, एल। तो अब R की विमा, A की विमा और L की विमा रख देने पर हमें क्या होगा, रो की विमा प्राप्त हो जाएगी। तो रो की विमा बराबर R की विमा, तो R की विमा क्या होगी, R की, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखने का मतलब है कि इसकी विमा हमें लिखनी है, A की विमा लिखनी है। A का मतलब ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल है, और यहाँ पे हमें L की विमा लिखनी है। तो R की विमा होती क्या है, हम लोगों ने पीछे देखा था R की विमा ML2T-3A-2, ये आपकी R की विमा हो जाएगी। A क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी, और अपॉन में L, L का मतलब लंबाई है मीटर में, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो अब इनको कंबाइन करने पर हमें रो की विमा क्या मिलेगी, देखिए M तो एक ही है, M ऐसे ही हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा 4, और एक ये कम हो जाएगी, तो M L3 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, और A-2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी विमा हो जाएगी। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बाद हम जानेंगे कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो जैसे ही प्रतिरोध का मतलब मैंने बताया था रुकावट, और चालकता का मतलब क्या होता है कि धारा को प्रवाहित होने के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध कराना। तो जाहिर सी बात है वो धारा को रोकेगा, ये धारा के मार्ग को सुगम बनाएगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत आचरण करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो इसकी सबसे आसान परिभाषाओं में से एक परिभाषा ये भी है, तो इसी का हम वर्णन करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कह देंगे, विशिष्ट चालकता। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, कुछ लोग इसे नू भी कहते हैं, सॉरी इसे से प्रदर्शित करते हैं। Uh,
जनरली इसे सिग्मा पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पे नू भी पढ़ा जाता है, तो आप सिग्मा या नू में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, चूंकि ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन रो। अब रो का फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, रो बराबर क्या होता है, ई अपॉन जे। तो अगर ये वैल्यू हम रख दें यहां पर, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा या नू बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन ई अपॉन जे। तो ये जे चला जाएगा ऊपर, तो सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, जे और अपॉन में क्या हो जाएगा, ई। तो बटे में है, इधर काहे में आ जाएगा, गुणे में। तो धारा घनत्व तो जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। ये आपका धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में क्या है, संबंध है। यही धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में, विशिष्ट चालकता में संबंध है। अब हम इसका मात्रक और इसकी विमा जानेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो उसके मात्रक का व्युत्क्रम इसका मात्रक भी हो जाएगा। तो इसका मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने लिखा था ओम मीटर। तो अब ये उसका व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब एक बटा करके लिखेंगे, तो ऊपर लाने पर इस पर क्या लगा दीजिए, इनवर्स लगा दीजिए। तो प्रति ओम मीटर कह लीजिए, चाहे ओम मीटर इनवर्स कह लीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब इसकी विमा क्या होगी, जरा ध्यान देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसकी जो विमा है वो क्या होगी, एक बटे और क्या हो जाएगी, रो की विमा हो जाएगी। तो इसकी विमा हम लोगों ने पीछे निकाल रखी है, इसकी विमा क्या थी, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो ये जब ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन हो जाएगा, एल थ्री है ऊपर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस टी ऊपर जाएगा तो प्लस का सॉरी टी माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो टी थ्री हो जाएगा, और ए माइनस टू ऊपर जाकर ए टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी थ्री, ए टू, ये हमारी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अब इसी क्रम में हम जानेंगे कि प्रतिरोध जो है वो ताप पर कैसे निर्भर करेगा, अर्थात जब ताप बढ़ेगा या ताप घटेगा तो उसके चालक की प्रतिरोधकता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हमें मालूम है, पैरामीटर्स के पदों में आर का मान एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब आर और टाउ में अगर हम संबंध निकालें तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ये शांतिकाल हो जाएगा। अब आपका ये जो शांतिकाल होता है, शांतिकाल का मान वी आर एम एस पर निर्भर करता है और वी आर एम एस के साथ में लैम्डा पर निर्भर करता है। तो चूंकि आपका टाउ बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन वी आर एम एस, तो अगर इसको रखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस। और आपको मैं बता दूं कि वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट टी, अर्थात ताप के। तो इसका मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी चालक तार में ताप बढ़ाएंगे, उसे कुछ ऊष्मा देंगे, तो ऊष्मा देने पर जो भी ताप बढ़ेगा तो उसके ताप के बढ़ने पर क्या होगा, वी आर एम एस, अर्थात वर्गमाध्य मूल चाल भी क्या होगी, आवेशों की आपकी बढ़ेगी। और जब ये वी आर एम एस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, चूंकि आर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार का
ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब चालक तार के बाद यदि अगर हम मिश्र धातु की बात कर लें, तो मिश्र धातु में भी क्या होता है, अगर चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता उसकी भी बढ़ेगी, मगर वहां पर जो प्रतिरोधकता है वो आपकी धातुओं से कुछ कम बढ़ती है, अर्थात धातुओं की अपेक्षा वहां पर वृद्धि कुछ कम जो है होती है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है आपका अर्धचालक। अर्धचालकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए अर्धचालक का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का ताप, इस बात को यहां से आप समझिए कि R और N में आपका कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। N का मतलब क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपकी आवेशों की संख्या। तो जैसे ही अर्धचालक का हम ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या होगा, इजाफा होगा, वृद्धि होगी। और इसके बढ़ने पर ये चूंकि इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात जब ये बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, अपने आप घट जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर अर्धचालक है तो अर्धचालक में ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, जबकि धातुओं या मिश्र धातुओं में ताप बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और जल्द ही हाजिर होंगे आपके समक्ष अपने नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक के एंड में एक बार फिर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।